अमर हरि मंदिर मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा से 72वीं वार्षिक निःशुल्क वैष्णो देवी यात्रा के लिए 80 के करीब मां भक्तों का जत्था ट्रेन के माध्यम से पंडित मदन मोहन ज्योतिष की अध्यक्षता में रवाना हुआ। इससे पहले विधिवत अमर हरि मंदिर में पूजा अर्चना ऑस्ट्रेलिया निवासी NRI प्रमोद मेहंदीरत्ता के भाई समाज सेवक रविंदर मेहंदीरत्ता, शिवपुरी मंदिर के वाइस चेयरमैन राकेश कश्यप एवं पंडित मदन मोहन ज्योतिष के कर कबलों से की गई, जिसके बाद यात्रा में जाने वाले भक्तों ने झंडे की इलाके में फेरी निकाली तो वहीं जगह जगह इस यात्रा में जाने वाले माँ भक्तों का सम्मान समारोह व मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब रहे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर मुश्किलों के दौर में वरदान बनकर समाज की सेवा में योगदान देने वाले मेहंदीरत्ता परिवार से ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता का इस यात्रा के लिए प्रमुख योगदान रहा। फिलहाल उद्योगपति प्रमोद मेहंदीरत्ता ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, लेकिन उनके भाई रविंदर मेहंदीरत्ता ने उनके सारे कार्य संयुक्त रूप से अपनी सेवा के माध्यम से जारी रखते हुए यात्रा से पहले करवाए गए सम्मान समारोह में यात्रा में जाने वाले हर माँ भक्त को एक एक कंबल, खाने पीने की सामग्री निःशुल्क भेंट कर इस यात्रा को रवाना किया। इससे पहले मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा में मां भक्तों की तरफ से लगाए गए मंच में महंत अश्विनी बागी एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर सभी की सुखमय यात्रा के लिए मां भगवती से मंगल कामना भी की। वहीं इस अवसर पर उद्योगपति रविंद्र मेहंदीरत्ता, राकेश कश्यप, मोहित अरोड़ा, अनमोल निखिल, पार्षदपति एडवोकेट संजीव वर्मा, श्यामलाल शर्मा, अरुण शर्मा, विनोद कुमार, अनिल शर्मा, श्यामलाल बब्बू रतड़ा, तुलसीराम काका, श्याम सुंदर शर्मा, पंडित भोलानाथ शर्मा, करनैल सिंह, विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर साल दे साल इस साल भी भगवती मां वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा साढ़े परम आदरणीय मेहंदीरत्ता परिवार वालों शुरुआत की जाती है। भगवती मां के चरणों में जो भी भगत जाता है अनेक प्रकार की कामना करके जाता है, खाली झोली लैके जाता, झोलियाँ भर के आता है। भगवती माँ इन सारे भगतों की मन की मुराद परिपूर्ण करे, विशेष करके साथ मेहंदीरत्ता परिवार की मन की कामना परिपूर्ण करे। इस तरह शुभ कर्म करते रहन, समय बतीत करते रहन, धन का खर्च करते रहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जी, जय माता दी। मैं सारी संगत जी नूं, खास तौर पर पंडित मदन जी जिन्होंने अज वैष्णो देवी तो अज मेरे ख्याल है 70 साल के करीब लगातार यात्रा से अपने साढ़े बस्ती इलाके की दानिश मंदा की संगत में लैके जाते हैं। और मैं सारी संगत जी और पंडित जी को बहुत ज़्यादा बहुत मुबारकबाद और बधाई दिना। और जोड़ा कि इलाके इन्ने भले का काम करते हैं, वो संगत की इन्नी मेहर करते हैं, और उन्होंने मैं सफल यात्रा की उन्होंने महाराणा जी अगर कामना करता। और सब एक बार फिर दोबारा सब प्रमोद वालू खास तौर पर और बहु शीतल बीजी वालू जिन्हों का हमेशा ही हमेशा साढ़े उन्होंने प्रेम रहा वे। परम आदरणीय पंडित जी महाराज और आई हुई संगत, जय माता दी, जय माता दी। पहला तो लख लख बधाई दिना हाँ मंदिर प्रबंधक कमेटी को, तो उस तो बाद मेहंदीरत्ता परिवार को, प्रमोद मेहंदीरत्ता, रविंदर मेहंदीरत्ता, राम लखन की जोड़ी हैगी है, जेडे समुचे अपने बस्तियां क्षेत्र के वर्ग के लोगों नाल लैके चलती है। चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई बच्चे की एजुकेशन का काम हो, चाहे विडो पेंशन की गल हो, चाहे किसी जागरण की गल हो, चाहे किसी मंदिर बनाने की गल हो, बहुत ही दयालु भावना, इन्नी नर्मता, इन्ना सब कुछ करते हैं। हूँ अज भी जी यात्रा जा रही है उस यात्रा यात्रियों जिते कंबल वंडे गए हैं उत्थे नाल दे नाल जाण वास्ते भी दान रूपी सेवा दिंदे ने। मैं अपने वालों, अपनी बस्ती निवासियों वालों, इस मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों, परम पिता परमात्मा अगे यही बेनती करता कि मेहंदीरत्ता जी परिवार जो नर्मता है, जो प्यार है, जो इन्हों का आपसी सत्कार है, ये राम लखन जोड़ी इस तरह बनी रहे। और साडे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल बीच जी जिन्हों का हमेशा धार्मिक कामों में रुझान रहा है, समा ना भी हो पर उन्होंने पत्रकार सारे इतने पहुँचते हैं। असी अपने वालों, अपनी बस्ती क्षेत्र वालों उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ।
और आस करते हैं इसी तरह धर्म की ध्वजा पंडित जी फहराते रहन। जय माता दी। I'm gonna be there.